व्यापारी और छात्र पर गोली चलने के बाद शहर सकते में, पुलिस से ही की गई कानून व्यवस्था सुधारने की मांग। रीवा शहर में सोमवार का दिन गोलीबारी की घटना को लेकर याद किया जाएगा, जहां एक और छात्र पर सड़क पर और उसके बाद गैस गोदाम में घुसकर कातिलाना हमला किया गया। उसके बाद रात को शहर के व्यवसायी पर गोली चलाई गई। यह अलग बात है, दोनों खुश नसीब रहे, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यवसायी विभु सूरी की और छात्र पर हमले की। इसी को लेकर रेवांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से असामाजिक तत्वों के ऊपर कठोर कार्यवाही करने की मांग की। मेरी बात हुई है उनसे, बात कर रहे हैं वो। उनका कहना था कि मैं 9 बजे के आसपास अपने घर की तरफ पहुंचा हूं, तो दो लड़के किसी मोटरसाइकिल में थे, उन्होंने फायर किया। एक तो समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने दो फायर और किए। मैंने उनका पीछा भी किया, वो देख नहीं पाए किसी को और बता भी नहीं रहे अभी कि कोई ऐसा कोई उनसे रंजित पीछे कर रहे। अभी वो ICU में है और बातचीत कर रहे हैं, खतरे से बाहर हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। बयान ले रहे हैं उनके अभी विवेचना में तथ्य आते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर पतासाजी की जाएगी। और अलग से हमारी दो टीमें लग गई हैं पतासाजी करने के लिए घटनास्थल पर, एक कोतवाली भी है और भी अधिकारी लगे हुए हैं। उनको पेट में गोली लगी है दाहिनी ओर में, एक घाव है गोली का ऐसा लगता है प्राथमिक रूप से परीक्षण करने पर। और अभी भर्ती किया है, CT स्कैन वगैरह करवाया है, तो फॉरेन बॉडी दिख रही है अंदर, मतलब ऐसा लगता है कि अंदर है। और हमारे यहाँ हमारे जो सर्जन्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या इलाज करना है, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो अभी रात में ऑपरेशन के लिए ले लेंगे। व्यापारी मंडल चाहता है यदि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार नहीं किए गए तो वो आमजनों के साथ सड़क पर उतर आएंगे। कल जिस तरीके से उन पे गोली चलाई गई, कातिलाना हमला हुआ और कल दिन में भी एक घटना ऐसी हुई, और जिस तरीके से यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई, तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से और लगभग लगभग शहर के लोगों की ओर से ये मांग करते हैं कि इन जो ये इसके लिए दोषी लोग हैं उन पे कार्यवाही की जानी चाहिए, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो, कुछ ऐसे आप लोग स्टेप्स उठाए कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था का कानून का राज स्थापित हो। सड़कों नहीं दिखेंगे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए सड़कों पर उतरेगा और फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, गबन भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में पुलिस मंडल आपके पास आया है मिलने, हमारे कुछ सजेशंस भी हैं। जैसे यहाँ आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और दूसरे प्रांतों से भी आते हैं, हमारे यहाँ कोई किसी के यहाँ भी घर लेके किराए से रहता है, इसका कोई आपके यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, मेट्रोपॉलिटन में जाइए, तो एक नियम होता है कि आपको घर तब तक किराए से नहीं मिल सकता जब तक अपनी पुलिस को सूचित नहीं करेगा मकान मालिक, और उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी पुलिस के पास होनी चाहिए। देखिए, एडिशनल SP साहब ने ये बोला कि ये लोग जांच में लगे हुए हैं, और चूंकि अभी विभु सूरी जिन पे ये कातिलाना हमला हुआ वो अभी बयान देने की डिटेल में स्थिति में नहीं है और कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी वो क्लू तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, पर प्रयास शुरू हो गया है। वहाँ के आसपास के जो
एरियाज हैं वहाँ भी सर्च कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रहे हैं, उससे जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसको देखेंगे। देखिए, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चिंता बताई। विभु सूरी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी, साथ ही साथ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, और जब इतने संपन्न प्रतिष्ठित और ऐसे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं तो तकलीफ तो बढ़ जाती है। शहर में एक डर का माहौल है, एक दिन में दो दो गोली चलने की घटना हो रही, और घटनाओं के बाद अगर अपन पकड़ भी लेते हैं किसी, और घटना का अगर फ्लो बना हुआ है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो ये चिंताजनक बात तो है। और सबसे बड़ी जो चिंता हमने जाहिर की वो ये जो इलीगल वेपन्स हैं कि ये कहाँ से मिल रहे हैं और इनके स्रोत पे अटैक होना चाहिए। और जो हमारे युवाओं में जो ये नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ा है, तो ये इन हमारा सोचना है कि जो इसका सोर्स है उस पे अटैक होना चाहिए। कहाँ से इलीगल वेपन आ रहे हैं, किन दुकानों से ये नशे की सामग्री बिक रही है, इन सबको रोका जाना चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।